पैरों में चप्पल, कमर में धोती, माथे पर गमछा और सफेद रंग का कुर्ता। इस पहनावे में ना तो कुछ अजीब है ना कुछ चटपटा, लेकिन फिर भी कुछ बेहद ही अजीब है और अफसोसजनक हुआ। शाम के अंधेरे में ढेर सारी चमचमाती लाइटों से दूर मॉल के बाहर एक दादाजी को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वे धोती पहनकर मॉल में फिल्म देखने जा रहे थे। ये कितना अजीब सा दौर है। महंगी महंगी शादियों और आलीशान शादियों में जब लोग धोती पहनकर आते हैं तो उनका जबरदस्त स्वागत और भव्य स्वागत किया जाता है क्योंकि वे सो कॉल्ड महंगे और बड़े डिजाइनर से डिजाइन की हुई धोती पहनकर आते हैं, लेकिन वही धोती जब कोई किसान मॉल पर पहनकर आता है तो पूरे मॉल का महागम घबरा जाता है। अचानक से ड्रेस कोड की दुहाई दी जाती है, मान मर्यादा और शालीनता का पाठ पढ़ाया जाता है। अचानक से लोगों को सादगी भरी धोती में अब नजर आने लगती है क्योंकि इस धोती को एक साधारण सी दुकान से खरीदा गया था। ये धोती किसी महंगे डिजाइनर से डिजाइन नहीं की हुई थी, इसलिए सादगी से भरी धोती पहनकर उन्हें मॉल में एंट्री नहीं दी जाती। आईटी हब बेंगलुरु में मंगलवार यानी 16 जुलाई की शाम जब गाड़ियों का वैसे ही जाम लगा था जैसे हर रोज दफ्तर से घर लौटने वाले लोगों को मिलता है, उस वक्त सड़क में एक जाम के खचाखच में पार एक बेटा अपने पिता को मॉल में लेकर आया। शाम 6 बजे की मूवी की टिकट पहले से बुक थी लेकिन उन्हें मूवी देखने नहीं जाने दिया। वजह थी बुजुर्ग पिता का पहनावा। सादगी भरी धोती और सफेद रंग के कुर्ते में मॉल की सिक्योरिटी गार्ड को दिक्कत थी, उन्होंने बुजुर्ग को मॉल के अंदर नहीं घुसने दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 16 जुलाई को किसान अपने बेटे के साथ बेंगलुरु के जीटी मॉल पर पहुंचा था लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया कि आप अपने बेटे की तरह पैंट शर्ट पहन कर आइए तभी मॉल में एंट्री मिलेगी। पिता को बड़ी उम्मीद से फिल्म दिखाने लाए बेटे को ये बात थोड़ी सी अजीब और उससे ज्यादा बुरी लगी। उसने सिक्योरिटी गार्ड को समझाने की कोशिश की लेकिन वे बात नहीं मानी। सिक्योरिटी गार्ड की ओर से नियमों में फंसा दिया और बेटे को सिक्योरिटी गार्ड की से बहस करते हुए देख बुजुर्ग पिताजी थोड़े से घबरा गए। शायद वे उस समय ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ कपड़ों से लोगों की हैसियत मापी जाती है। इन सब के बीच लड़का सिक्योरिटी गार्ड से बार बार अपील कर रहा होता है कि हमें अंदर जाने दिया जाए, ये बड़ी दूर से आए हैं, हमें अपने पिताजी को मूवी दिखाने चाहता हूँ, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, बस वे एक ही रट लगाए दिए था कि पहले अपना पहनावा अपने बेटे की तरह पैंट शर्ट पहन के आइए फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। ये बात कही तो ऐसी जा रही थी जैसे धोती की जगह पैंट शर्ट पहनने से लोगों के शख्स का पूरा किरदार बदल जाएगा। बेटे और सिक्योरिटी गार्ड के बीच जब ये बात बहस में बदलती नजर आई तो बुजुर्ग शख्स आगे बढ़ गए और अपने लेवल पर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। फिर सिक्योरिटी गार्ड को बताने लगे कि हम लोग घर से नहीं आए और इसलिए हम कपड़े नहीं बदल सकते, हमें अंदर जाने दीजिए नहीं तो फिल्म छूट जाएगी। लेकिन मॉल के सुपरवाइजर ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, ना अंदर देने से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि ये नियम है, आप इस नियम के तहत इस तरह से अंदर कपड़े पहन के नहीं जा सकते। और खैर जब धोती पहनने की वजह से बुजुर्ग को मॉल में एंट्री नहीं मिली तो उसका बेटा उसे लेकर वापस आ गया और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर मॉल को इसी हरकत के बारे में बताया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लड़के की पोस्ट वायरल हो गई, लोग धोती पहनने बुजुर्ग के सपोर्ट में उतरे। मॉल में की हरकत में ये देखकर गुस्सा फूटा और 16 जुलाई की घटना के बाद 17 जुलाई को मॉल के बाहर किसान संगठन धोती पहनकर धरना प्रदर्शन में बैठ गए। रिपोर्ट के मुताबिक मॉल प्रशासन का कहना है कि किसान दोपहर को धोती पहनकर मॉल में आए थे, तब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर अपनी धोती उतार कर अपने उन्हें ग्राउंड कर लिया था, तभी ग्राउंड फ्लोर पर चल रही बर्थडे पार्टी में शामिल कुछ महिला को इससे दिक्कत हुई। उन्होंने इसकी शिकायत गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से की। इसके बाद गेट पे किसानों को समझाया और वहां से दूर भगा दिया गया। और शाम को जब वे किसान वापस आया और धोती पहन के आया तो दोपहर का वक्त ध्यान में रखते हुए गार्ड ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और मैनेजमेंट की अनुमति के बाद उन्हें जाने दिया। लेकिन इतनी देर में उन्हें रोके जाने को लेकर बड़ा बवाल मच गया तो धोती की वजह से मॉल में एंट्री न मिलने का मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा तो तूल पकड़ता हुआ विवाद से बढ़ गया और सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। मॉल प्रशासन ने किसान को वापस मॉल में बुलाया और उसके सिक्योरिटी गार्ड से माफी मंगवाई और उसे उसके बाद शॉल के साथ सम्मानित भी किया गया। ये सब मॉल प्रशासन ने उसके बाद किया जब ये बवाल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से बढ़ गया। लेकिन इन सब से सोच तो नहीं बदलने वाली, सोच इस बात को लेकर कि कपड़ों से हैसियत मापने वाले लोगों की सोच कब बदलेगी और इस सोच को कभी बदल पाएंगे हम या नहीं बदल पाएंगे, या ये सोच कभी बदल देगी या नहीं बदलेगी।
वही जब इस साल की शुरुआत में ही सर पर बड़ा सा बोरा रखे किसान को बेंगलुरु के राजनगर स्टेशन पर अधिकारी ने साफ इसलिए एंट्री नहीं जाने दी क्योंकि मेट्रो प्रशासन की ओर से कहा गया कि उनके कपड़े मेट्रो पे जाने लायक नहीं है, उन्हें मेट्रो में अंदर नहीं जाने दिया गया था। इसे सहयोग कहे या फिर कुछ और, लेकिन कहे क्या कहे ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि एक जगह जहाँ धोती की वजह से एंट्री नहीं मिली तो वही दूसरी जगह सिर्फ कपड़ा का हवाला देकर मॉल में एंट्री नहीं दी। ये दोनों घटना भले ही अलग अलग है लेकिन जगह एक है, शहर है बेंगलुरु शहर, जहाँ लोगों को बड़े स्वभाव माना जाता है। आईटी का हब होने वाली वजह से वहाँ में देश विदेश के सारे लोगों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये सब क्यों होता है, कपड़ा देखकर हैसियत क्यों नापी जाती है। सवाल ये है कि एक धोती की वजह से हमें अंदर एंट्री क्यों नहीं दी जाती। ये घटना 16 जुलाई की बताई जा रही है और ये घटना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। एक हब में एक बेंगलुरु के मॉल में इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उसने धोती पहनी। हालांकि धोती में क्या नुकसान है और उसी से एक साल इसी शुरुआत के एक साल पहले घटना आई थी जहां पर एक इंसान के सर पर एक बोरा रखा था, उसे रेलवे स्टेशन में एंट्री नहीं दी गई थी। आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं क्यों तेजी से बढ़ती जा रही है और हमारा समाज क्या चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।